हेलो फ्रेंड, संगीतास वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मिक्स वेज तवा फ्राई सब्जी बनाएंगे। जो ये सब्जी लग्न प्रसंगों में बनाई जाती है और ढेर सारी सब्जियां उसमें यूज होती है। आपको जो सब्जी पसंद है वो सब्जी ग्रेवी के साथ सर्व किया जाता है। तो मिक्स वेज तवा फ्राई सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे हमने ढेर सारी सब्जी लिया है। तो कलरफुल ये छोटी वाली मिर्ची है, येलो ऑरेंज एंड रेड। उसके बाद बारीक वाला आलू लिया है, बारीक वाला बैंगन, फणसी है, उसके बाद टिंडोरा है, उसके बाद भिंडी एंड फ्लावर। उसके बाद यहाँ पे हमने चार अलग अलग टाइप का कैरेट लिया है। तो ये कैरेट ऑप्शनल है, आप कोई भी एक कैरेट ले सकते हो। आप देख सकते हो पर्पल वाला कैरेट है, उसके बाद व्हाइट वाला, उसके बाद रेड वाला एंड ऑरेंज वाला। चार कलर का अलग अलग कैरेट है, तो उसमें से आप कोई भी एक कैरेट ले सकते हो। तो ये ढेर सारी सब्जी को कट करके रेडी करेंगे। तो लीजिए, यहाँ पे हमने टिंडोरा को इस तरह से कट करके बीच में कट लगा लिया था। उसके बाद आलू को भी इस तरह से कट किया है, उसके बाद मिर्ची को भी इस तरह से कट किया है और बैंगन को भी हमने बीच में कट लगा लिया है। और भिंडी में से हमने इस तरह से कट करके एक भिंडी का दो भाग कर लिया है। फणसी को भी कट कर लिया है और कलरफुल कैरेट को भी इस तरह से हमने कट किया है। तो पर्पल, रेड, ऑरेंज एंड व्हाइट चार कैरेट को कट किया है। उसके बाद फ्लावर को भी कट किया है। और मैं आपको बताना भूल गई थी कि मैंने पनीर भी लिया है, तो पनीर को भी हमने इस तरह से कट कर लिया है। तो मिक्स वेजी तवा फ्राई सब्जी बनाने के लिए हमारी ढेर सारी सब्जी रेडी है और सब्जी को हमने कट करके रेडी किया है। और अराउंड 10 से 15 लोग आराम से ये सब्जी खा सकेंगे, उतनी बनेगी। तो ये सारी सब्जी को हम फ्राई करेंगे। तो दूसरी साइड मैंने तेल भी गरम करने के लिए रख दिया है। तो तेल हमारा अच्छा खासा गरम हो चुका है। तो सबसे पहले हम बैंगन को फ्राई करेंगे। जब तक ये बैंगन फ्राई ना हो जाए तब तक हम फ्राई करेंगे। तो बैंगन हमारा एकदम सॉफ्ट हो चुका है। तो ये बैंगन को हम ले लेते हैं और इस तरह से हम दूसरी सब्जी है ना उसको भी फ्राई कर लेते हैं। तो ये मिक्स वेजी तवा फ्राई में आप कोई भी अपनी पसंदगी की सब्जी ले सकते हो, सिवाय कि करेला, करेला लौकी वगैरह यूज नहीं होता है। बाकी की आपको जो सब्जी पसंद है वो ले सकते हो। उसके बाद आलू को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने आलू को भी फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पे हमने भिंडी को भी फ्राई कर लिया है। उसके बाद पनीर को हमने फ्राई नहीं किया है, पैन पर हमने थोड़ा सा तेल डाल के रोस्ट किया है। तो रोस्ट किया हुआ पनीर भी हमारा रेडी है। उसके बाद टिंडोरा को भी हमने फ्राई कर लिया है। अच्छे से फ्राई करना है, कच्चा नहीं रखना है। और ये मिर्ची को हमने तवे पर भी रोस्ट किया है, उसको हमने फ्राई नहीं किया है क्योंकि ये तेल ज्यादा ले लेते हैं। तो फ्राई किया हुआ मिर्ची भी रेडी है। उसके बाद हमने फणसी को भी फ्राई कर लिया है। उसके बाद फ्लावर को भी फ्राई किया है। उसके बाद कैरेट को भी हमने फ्राई कर लिया है। तो जो सब्जी हमने कट किया था वो सारी की सारी हमने रेडी कर लिया है। तो फ्राई किया हुआ मिर्ची रेडी है, फ्राई किया हुआ फणसी रेडी है, फ्राई किया हुआ फ्लावर, गाजर, बैंगन, भिंडी, टिंडोरा एंड आलू एंड पनीर। तो ये सब्जी के ऊपर हम सबसे पहले नमक, रेड चिल्ली पाउडर एंड चाट मसाला डालेंगे ताकि ये सब्जी फीकी ना लगे और टेस्टी बने।
तो यहाँ पे हमने नमक, रेड चिल्ली पाउडर एंड चाट मसाला डाल दिया है। तो फ्राई किया हुआ सब्जी हम ए साइड रख देते हैं, तब तक हम सब्जी के लिए ग्रेवी भी बना लेते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला की तैयारी करेंगे। तो 1 टेबल स्पून जितना तेल डालेंगे, उसके बाद 1 टेबल स्पून जितना जीरा, 1 टेबल स्पून जितना सूखा धनिया, सिनेमन स्टिक, तेज पत्ता, इलायची, लौंग, उसके बाद आधा कप हमने काजू लिया है, 4 बड़ी लहसुन की कली, उसके बाद 3 मीडियम साइज का हमने प्याज लिया है। तो प्याज को कट करके हम डाल देते हैं। ये सारी चीज़ें हम अच्छे से रोस्ट करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। उसकी हम पेस्ट बनाएंगे सब्जी के लिए। प्याज हमारा थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो 10 से 12 जितना हमने लाल मिर्ची को 1 घंटे के पहले पानी में भिगोने के लिए रखा था, अच्छे से मिक्स करके ये सारी चीज़ें हम मिक्सर के कंटेनर में डाल के उसमें अराउंड आधा कप जितना पानी डाल के एकदम स्मूथ प्यूरी बना लेते हैं। तो लीजिए, हमने जो मसाला बनाया था उसमें से हमने इस तरह से पेस्ट बना लिया है। कढ़ाई में हम अराउंड 3 से 4 टेबल स्पून जितना तेल डालेंगे। तेल गरम हो जाए उसके बाद हमने जो पेस्ट बनाया था वो हम पूरा का पूरा डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम भूनेंगे ताकि ये मसाले के अंदर थोड़ा सा तेल भी सेपरेट हो जाए और मसाला अच्छे से कुक हो। तो मैंने अराउंड 2 से 3 मिनट तक मिक्स किया था। आधी स्पून जितना हल्दी पाउडर डालेंगे, उसके बाद 1 टेबल स्पून जितना लाल मिर्ची पाउडर, कश्मीरी मिर्ची पाउडर है, सब्जी का कलर भी बढ़िया आएगा और ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं बनेगी। तो फिर से हम अराउंड 1 मिनट तक हमें मसाला को भूनेंगे ताकि उसमें से तेल भी सेपरेट हो जाए। तो आप देख सकते हो इस ग्रेवी में से तेल भी थोड़ा सा अलग होने लगा है। तो 2 कप जितना हमने फ्रेश टमाटर की प्यूरी लिया है, तो 2 कप टमाटर की प्यूरी है और 2 कप में से थोड़ा कम ये जो हमने मसाला बनाया था उसकी पेस्ट है। उसके बाद ऊपर से स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, ग्रेवी को अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये ग्रेवी को हम मीडियम आंच पर कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। 8 मिनट के बाद हम ये प्यूरी को देख लेते हैं। तो ऊपर से हम अराउंड 1 टेबल स्पून जितना कसूरी मेथी डालेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सब्जी का। कसूरी मेथी डालने के बाद ग्रेवी को मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हम ये ग्रेवी को थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं ताकि पता चले कि उसमें क्या डालना पड़ेगा। तो थोड़ी सी मुझे ये ग्रेवी खट्टी लग रही है तो मैं ऊपर से शुगर डाल रही हूँ। उसके बाद 2 से 3 टेबल स्पून जितना क्रीम डाल रही हूँ। आप चाहे तो घर की दूध की मलाई भी डाल सकते हो, ज़्यादा नहीं डालना है, 2 से 3 टेबल स्पून जितना ही हम यूज़ करेंगे। उसके बाद फ्रेश धनिया डालेंगे, अच्छे से ग्रेवी को मिक्स करेंगे।
और ये ग्रेवी को फिर से हम मीडियम आंच पर 1 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। 1 मिनट के बाद हम ग्रेवी को देख लेते हैं। आप देख सकते हो परफेक्ट ग्रेवी बन गई है और ग्रेवी भी अच्छी खासी गाढ़ी बन गई है। तो वेजी तवा फ्राई सब्जी के लिए हमारी ग्रेवी भी रेडी है और फ्राई किया हुआ वेजिटेबल्स भी रेडी है। तो दूसरी साइड मैंने गैस पर तवा रख दिया था और तवा की साइड पर हमने ढेर सारा वेजिटेबल्स रख दिया है, आप देख सकते हो, और बीच में हम ग्रेवी डालेंगे। तो इस तरह से लग्न प्रसंगों में ये सब्जी बनाई जाती है, बीच में ग्रेवी डाली जाती है और साइड पर ये जो सब्जी हमने फ्राई किया है इस तरह से रखी जाती है। आपको जो सब्जी पसंद है वो सब्जी लेके ग्रेवी में अच्छे से डिप करके सब्जी को सर्व किया जाता है। तो बीच में हम ग्रेवी डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने बीच में ग्रेवी डाल दिया है। अभी हम गैस की फ्लेम शुरू कर देंगे और गैस की फ्लेम एकदम लो रखेंगे। लो फ्लेम पर ये सब्जी गर्म होगी और इस तरह से वेजी तवा फ्राई बनाया जाता है। आपको जो सब्जी पसंद है वो सब्जी लेके ये ग्रेवी में डिप करके आपको सब्जी सर्व करना है। तो सबसे पहले हम बैंगन को सर्व करेंगे। उसके बाद आपको अगर पनीर की सब्जी खाना है तो पनीर लेके इस तरह से ग्रेवी में डिप करके सब्जी को सर्व करना है। उसके बाद आलू की सब्जी या भिंडी की सब्जी, जो सब्जी आपको खाना है वो इस तरह से ग्रेवी में डिप करके आपको सर्व करना है। और रस पूरी के साथ, श्रीखंड पूरी के साथ सर्व किया जाता है। तो यहाँ पे हम ये सब्जी रस पूरी के साथ सर्व करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लेट में पूरी रखेंगे, उसके बाद हरी मिर्च का पकौड़ा बनाया है वो भी सर्व करेंगे। उसके बाद ठंडा ठंडा आम रस सर्व करेंगे। उसके बाद हम सब्जी रख देंगे। तो लीजिए हमारी गर्मा गर्म लग्न प्रसंगों में बनने वाली वेज तवा फ्राई सब्जी खाने के लिए रेडी हो चुकी है और टेस्ट में बहुत बढ़िया बनी है। तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ही मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।